Not wasting any further time, I will now request Mr. Swaroop Sarkar to please come on the podium and please share with us what he has to say on the journey of Saving in Family movement, and request you to please welcome him with a round of applause. Please, Mr. Swaroop Sarkar. Thank you. Good afternoon, everyone. And I welcome everyone. Disability and Family SIP का जो 18th foundation day है, यही एक दिन था 10th March 2005. हमने एक small Yahoo group से हमारा awareness campaign चालू किया था. I'll just go through the present of the history, past, present and future of SIP, or the welfare of the men, how we are going to do. सिप फाउंडेशन का पहले ऐसे नहीं है जो मेन के लिए कोई काम नहीं करते थे. इवन 1980s 2000 में भी लोग अलग अलग ग्रुप से अलग अलग ब्लॉक से थी और वर्किंग फॉर द जो लोग फॉल्स केस में इम्प्लीकेट हो जाते थे उनको सहायता करते थे, एडवाइस देते थे, जो भी उनका चार्जेस होते हैं लोग लेते थे. स्पेशली दिल्ली में आप जानेंगे जो मेन सेल होते थे मिस्टर चुक साहब. जब हम लोगों ने 2005 में जो मिसयूज डाउरी एक्ट था, हम लोगों ने रियलाइज किया एक लोग विक्टिम होते हैं, उसको पर फेंक के आते हैं, वो एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट उसको जो सलाह देते हैं अकॉर्डिंगली वो केस फाइट करते हैं. एंड 90% ऑफ द केस क्या होते थे भाई, पैसा देकर केस सेटल. ये प्योर एक्सटर्शन ब्लैकमेलिंग कैसे चल रहा था. देन इन 2005 जब हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ, हमने इसको एक मूवमेंट का तरह कैसे लिया जाए इसको हमने कोशिश किया. लोगों ने पहले भी कोशिश किया, हमने उससे लर्निंग लिया जो लोग मूवमेंट इसको क्यों नहीं बनाया. इंडिविजुअली बहुत सक्सेस है, कोई बोलता था मैं 5000 लोगों को हेल्प किया, कोई बोलता था 10000 लोगों को हेल्प किया. हमने एनालाइज किया उस टाइम क्या होता था, एक विक्टिम और एक सर्विस प्रोवाइडर. आप एडवोकेट पर गए, आपने उनका सर्विस लिया, आपका काम खत्म हो गया, आपका जिंदगी में हो गया. तो 2005 हमारा जो स्ट्रेटेजिकल हमने सोचा खाली फेक केस नहीं है, फेक केस बाय प्रोडक्ट जो हमारा सोसाइटी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग मेल हैकर्स हमें बचपन से इंजेक्ट किया दिया जाता है उसका बाय प्रोडक्ट है ये सब लॉस. जो मेन का सफरिंग है, मेन का जो पेन है, मेन का जो सुसाइड है, वो कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होता था, मुझे भी नहीं. बिफोर 2005 मेरा दिमाग में था इन माय कंट्री द वुमन सुसाइड इज मोर देन मेन सुसाइड. लेकिन जब मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट 2005 में देखा मैं हैरान हो गया. द सुसाइड ऑफ द मेन मैरिड एंड एज वेल वुमन का डबल ट्रिपल है सामने. देन आई थॉट नो समथिंग इज रॉन्ग. देन इन 2005 हमने सोचा लॉ इश्यूज से हमें आदमी का जो परेशानी है लीगली सोशली फाइनेंशियली और डेली लाइफ में वी हैव टू इनकॉर्पोरेट. सो आवर यहू ग्रुप दैट इज कॉल्ड सेव इंडियन फैमिली 2005 10th मार्च वॉज फॉर्म एंड देन स्लोली स्लोली पीपल स्टार्टेड. It started all with a dream to create a society where men welfare of men is given equal importance as welfare of women and others also, because men are human. The vision, what vision we created that time? Vision, we need a gender peace, gender harmony, where every citizen, I repeat, the world is citizen. It is not men or women.
is protected by law irrespective of gender. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं, एवरी सिटीजन शुड बी प्रोटेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर कास्ट रिलीजन सेक्स बर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन 14 में मेन ओपन नहीं लिखा है, सिटीजन वर्ड यूज किया एंड मेक द सोसाइटी अ मिसइंटरप्रेटेड एंड देयर बी जेंडर इक्वालिटी इन ट्रू सेंस। आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं, लिव एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी फॉर एवरी पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया है पर्सन, कोई मेन वोमेन नहीं किया है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द विजन वी रियली वांट एंड आई कैन से ऑल ओवर इंडिया मोर देन 40 एनजीओ दोज आर वर्किंग फॉर द मेन। They always say, please make any law and policy man woman to person, husband wife to the spouse, and then you make any law. If you feel some law is getting misused, like you do in Lokpal Act, to protect the Article 21, in the law itself you give some protections. When you find somebody has filed a fake case, on the spot, at the end of the trial, you punish. This simple demand. So, main organizations always is asking for a gender neutral law, gender neutral policy, gender neutral society. It is the woman activist and those call themselves as a feminist, even I also used to call. They are objecting, no, 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 no. So, it is the important to everyone to understand man woman to person, husband wife to spouse. If you don't do, you are violating the constitution A, and when you violate that, there will be the disharmony in the society, and when the disharmony in the society, your violence, crime, all everything, extortion will increase. And same thing is happening in 2005 when Domestic Violence Act was passed. In various platforms, you can just Google. I told them specifically, said, this law you are making, it will create more disharmony, result more violence, more crime. After 5 years, you will come and say, sir, I want another law. Then after 5 years, you will make another gender bias law by violating constitution. Then after 5 years, you will come to say another law. Same thing happening. First, you make Dowry Act. Then you make 498A, say, no, this is not working. Then you make DB Act, say, no, DB Act is not working. Let's do the IRBM. IRBM is not passed. Then you say, now I want medical name. And it's the end. But in 2005, if you have not violated the constitutional right, you respect the constitution, you should make a good law and which had been reduced the violence crime in the society. Now see, telling this is very easy. There was a huge challenge. As Amit was says, forget about, talk about the man. People used to apply, if you talk for a man, he will be termed as an anti-woman. It is politically incorrect. And he will be branded like a rapist, molester, misogynist, all these things. But we take the challenge. We say, okay, whatever you say, we will speak up. That is time, knowing social media was there, we used to do our email campaigning, we do our poster campaigning, pamphlet campaigning, and there we used to establish how men are considered disposable, welfare of one, men was least importance. Suffering of man, not documented. Men vote was taken as a granted because men will not think about themselves, their benefit when they are going to the vote. For them, what is happening in China, what is happening in US, that is more important. But his own life, he is not getting food, his everyday is going to the court, somebody is turning in molester, fake,
After 10 years, he is getting acquittal, no compensation. Even he is not getting a job of security also after acquittal. Main constitution, Article 14 and 21, snatched. छीन लिया गया है उनसे वेरियस अनफेयर लॉ एंड पॉलिसीज. सो दिस वॉज द चैलेंज, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू चेंज. व्हेन वी गो फॉर द सुसाइड ऑफ द मेन, जब सुसाइड ऑफ द मेन, जब हमने डाटा देखा एनसीआरबी का, तो सरप्राइज, नोबडी नोज. Because no media is going to tell us, no government is going to publish this, no parliamentarian is going to ask this question in the parliament. अभी जो 2020 का जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया है उसमें मेन का सुसाइड है 1,08,000. उसमें से जो मैरिड मैन जो सुसाइड है 73,093, वुमेन का सुसाइड टोटल 34,000. किसी को भी बोलो बनियन, आप किसी को भी बोलेगा बोला तुम बेवकूफ बना रहे हो. बट दिस इंफॉर्मेशन नाइदर मीडिया हैज कम्युनिकेटेड, नो पार्लियामेंटेरियन हैज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट, नो पॉलिटिकल पार्टी शोन एनी कंसर्न कि हमें सुसाइड बढ़ रहा है क्यों. अभी आप बोलेंगे नहीं सर ऐसी होता है. नहीं, आप 1980s में चले जाओ, ग्राफ का डिफरेंस इतना नहीं था. 1980 ऑनवर्ड सोचो रेट देखो, आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. तो जो इंक्रीजिंग ट्रेंडिंग है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई पॉलिटिशियंस, कोई मीडिया, कोई सोशल एक्टिविस्ट कुछ कर रहा है? कोई पॉलिसी बना रहा है जो हम सोचना क्या आप चाहते हैं कि सुसाइड बढ़ते रहे? जब मैं फेमिनिस्ट के साथ काम करता था, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, जब किसी का बेटा मरते हैं, जब किसी का भाई मरते हैं, जब किसी का बाप मरते हैं, उसका जो मां होता है, बहन होता है, सिस्टर होता है, उसका दर्द क्या कम होता है? तो आपको जब लॉ बनाते हो वुमेन का सुसाइड का नाम पे आप 304 भी बना दिए हो, कोई भी वोमैन सुसाइड करेगा हस्बैंड फैमिली जेल में. और जब हस्बैंड सुसाइड करे सुसाइड नोट डालते हैं, उसके बाद भी हमारा लॉ इतना कमजोर है इसको सजा नहीं दे पाते. आपका सामने हम एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा स्वरूप राज का फादर आपको बताएंगे. ये सुसाइड नोट होता है वो क्लियरली लिखता है ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, उसके बावजूद भी हमारा कानून कुछ नहीं कर पाता है. क्यों? तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू थिंक. व्हाट टू डू? कोई तो कुछ कर नहीं है, क्या करे? 2005 में हमने एक वर्ड बोला था, जो लॉ चल रहा है ये लीगल टेररिज्म है, कानूनी आतंकवाद. ये हमारा ग्रुप ने चालू किया. एंड दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट सेज द सेम थिंग डिटो व्हाट सिर्फ मेंबर यूज टू कैंपेन थ्रू देयर ईमेल. They say 498A misuse is nothing but unleashed legal terrorism. The judgment was Sushil Sharma versus this. So create the awareness, build our volunteers, build mandate. Awareness to samajh mein aa gaya. Team kaise hoga? Maine aapko explain kiya. Log to kaam kar rahe the. Victim hai. Lekin movement nahi ban raha. Us time hamara sirf ka ideology humne kiya. There should be multiple NGO. क्यों आप एक एनजीओ करोगे वो एनजीओ का बंदा कोई कारण में काम नहीं कर पाएगा, पूरा मूवमेंट डाउन हो जाता है. तो सिर्फ शुड बी ए कोलाबोरेशन ऑफ एनजीओ. दिल्ली में एक, बॉम्बे में एक, तो बॉम्बे डाउन है तो दिल्ली करेगा, दिल्ली डाउन है तो पुणे काम करेगा. सो दैट इज द मल्टी डायमेंशनल मल्टी एनजीओ पॉलिसी. सेकेंड, द वॉलेंटियर शुड बी सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ वॉलेंटियर्स. ये आपका दिल से आना चाहिए. आप किसी को पैसा देकर एक्टिविस्ट नहीं बना सकते. तो सिर्फ का जो है आप किसी को हेल्प कर रहे हो,
यू आर गिविंग सम हेल्प और एडवाइस टू समवेयर, इन रिटर्न यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी मॉनिटरी बेनिफिट्स। तो जब मॉनिटरी बेनिफिट्स आप उसको लिंक करोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो क्या होगा, कोई आपको 5,000 रुपया दिया, आप उसको पर ज्यादा ध्यान दोगे, और जो 500 रुपया देता है कि 100 रुपया देता है उसको आप उतना ध्यान दोगे, देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन, तो आपका टीम बिल्ड नहीं होगा। तो सिर्फ आइडियोलॉजी है एवरी वॉलेंटियर फर्स्ट यू हैव टू बी सेल्फ सपोर्टेड सेल्फ वॉलेंटियर, सो दैट व्हेन अ पर्सन इज कमिंग ही शुड नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड पुअर रिलीजियन कास्ट और एवरीथिंग और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। Man is a victim, victim, finish. We don't ask what is your name, even. So, that is the ideology we built in 2005. SIP will be like a training institute. You come here, get trained 6 months, 1 year. Then, if you feel you want to do something more, you are doing the same thing. Open, everything is open for you. Like from university, you pass out. Somebody go for the teaching line, means continue with the SIP. Or somebody go to the scientist, somebody go to the engineering, MBA, like that. So like that, SIP will be institutes to make you a missionary free. What is self-supported, self-volunteered activity? And then you take the movement forward. Next. But how? As I say, low fund, no government support, no support from society, a political incorrect issue. So that's why we say, when you install that passion, when you make the person misandry free, for that we create a lot of blogs, website, our own data, we create our own medias, because we know it is a political indirect issue. Even we released our main manifesto. Openly we released our main manifesto. This is the demands we have. Any political party take our issue, then only we will vote, otherwise we will not vote. And this election only a small party in Lucknow, MOR, who has accepted our manifesto. So people has, there is a start. Somebody has to start. So internet was the tool. We created blog, websites, helplines, people should get connect to each other, network each other, different cities, websites, blog, media and this. Of late 2005 onwards, media started to notice it. In the media sections also people, some people are not like so much male hatred among them. And it is not the main, a lot of women also you can see various media awareness programs, we try to make the awareness among the people through article, debates, victim stories, Jindagi Live, all these programs our people has participated. Then create NGOs. Our aim, every city, every town, there should be NGO for the men. If nothing is there, at least a person gets some emotional support, if not the legally or something. And create a awareness spread across the city. So the action plan was made. And today, our jo helpline hai, uska piche 90 volunteers all over India are working 24 hours without expecting anything on the ideology, self-supported, self-volunteers. It is the passion. We do not pay anything to them. Single number 888-249-8498 you dial, you select आप कौन सा सिटी में हो, आप किसी से बात करो, उसके बाद हमारा जो वीकली मीटिंग्स है, जो हमारा फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं वो दिखाएंगे, आप उस पर ज्वाइन करो एंड यू कैन ऑल्सो बिकेम ए वॉलंटियर्स। एज आई से वीकली मीटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हमने, कोई इनफॉर्मल जगह पे, आप कोई सैटरडे संडे का दिन 2 घंटा 3 घंटे एक दूसरे से मिलो, बात करो कैसे है, क्या चल रहा है, चाय पियो, खाना खाओ, एक सब। एंड ये आप बोलोगे कोई हम ऑर्गेनाइज जगह पे क्यों नहीं करते हैं, अभी जैसे आप लोगों के घर मैंने बुलाया, आप लोग चुपचाप सब सुन रहे हो ना, कुछ बोल तो नहीं पा रहे हो, मैं बक रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो। तो जब फॉर्मल मीटिंग करोगे तो यही होगा, एक लेक्चर नजर आएगा, लेकिन जो भक्ति बताए वो चाहते हैं किससे बात करें। जब आप कोई पार्क में मिलते हो, पब्लिक प्लेस में मिलते हो,
हो सकता है वो विक्टिम को मेरा शकल पसंद नहीं है, इनका शकल पसंद है उससे बात करेंगे, उसका शकल पसंद नहीं है उससे बात करेंगे. दे विल टॉक टू ईच अदर्स, लर्न फ्रॉम ईच अदर्स, सक्सेस एंड फेलियर. दे विल नेटवर्क देमसेल्व्स एंड दे बिकेम कॉन्फिडेंट टू फाइट अगेंस्ट दिस लीगल कैंडिडेट्स ऑफ दे विल नॉट सरेंडर. फर्स्ट वीकली मीटिंग हम 2005 में एक जीके का रेस्टोरेंट में चालू किया. तीन लोग आए और आज आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया ऐसे 40-50 मीटिंग होता है. आज हमारा मंडी हाउस का पार्ट में होते हैं, पहले हमारा इंडिया गेट में होता था, पहले हमारा कोर्ट का पार्ट में होता था. 60, 70, 80, 100 पीपल्स कमिंग टूगेदर. सो दिस वीकली मीटिंग्स इज लाइक ए, आपका जो दर्द है दुख है आप किसी से शेयर तो करो, आपको कोई सुनने वाला नहीं है. When a man faces a problem, even his colleagues, office, घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है. बिकॉज मेन प्रॉब्लम कैन अंडरस्टैंड ओनली अनदर मेन हु फेस द सेम सिचुएशन. वो बोलता है ना, जब तक आपको हाथ नहीं जलते हैं आपका हाथ जलने का दर्द क्या होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो हमारा वीकली मीटिंग का कंसेप्शन सही है, आप एक दूसरे से बात करके आपको आगे का स्ट्रेटेजी फॉर्मली इनफॉर्मली एंड नेटवर्क. तो मेन शेयर देयर पेन, उसका केस है दे हैव ईच अदर्स, दे बॉन्ड ईच अदर्स, दे मेक फ्रेंडशिप्स. आई थिंक काफी जगह पे हमारा लोग ऐसे नेटवर्क है, ये 10 लोग बड़ा लोग मिलकर न्यू ईयर मनाते हैं, होली मनाते हैं. सो यू हैव टू प्रोवाइड ए अल्टरनेट सोसाइटी फॉर सच टाइप ऑफ एब्यूज्ड एंड डिस्ट्रेस्ड मैन. मर जाएगा बेचारा, घुट घुट के मर जाएगा. तो ये जो क्रिएशंस हमने ह्यूमन टच जो है वो पहला जरूरी है. जब हमने एनालिसिस किया लोग सुसाइड क्यों करते हैं कि वो एक होपलेस सिचुएशन में आ जाता है, उसके सामने कोई होप दिखता नहीं है. तो जब ऐसे वीकली मीटिंग में आते हैं सेल्फ सपोर्टिव वॉलंटियर, जब देखते हैं अरे मेरा जितना दर्द है उससे तो ज्यादा दर्द अमित का है, अमित सोचते हैं यार मेरा दर्द तो कुछ नहीं है, मेरे से ज्यादा तो अनित का दर्द है. तो दिस इज द वे ही गेट दैट सिचुएशन आउट एंड बिकेम टू फाइट फॉर दैट. नेक्स्ट, दिस इज द ब्रदरहुड एंड जेंडर पीस, दिस इज द पैशन सो मेनी पीपल्स आर गेटिंग टूगेदर which was never happened before 2005. केसेस उस टाइम भी होते थे लोगों के ऊपर, उस टाइम भी लोग जेल जाते थे, लेकिन आपका अंदर जो एक ब्रदरहुड है, आपको जो मिसेंडरी मैन हेटर्स से बाहर आना है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म आपको देता है. नेक्स्ट, कुछ फोटोज है हमारा वीकली सपोर्ट मीटिंग वॉलेंटियर्स. देखो लोग रास्ते में खाए होंगे, लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही लोग के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होता है. आज किसी को बोलने का जरूरत नहीं होता है, डाउरी के झूठा होता है, रेप के झूठा होता है, लोग सब समझते हैं. लेकिन हमारा जमाने में कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं था. केस होता था सैटरडे को उठा के घर में माँ बहन जो भी होता था बच्चे सब उठा के ले जाते थे. एक एक केस में 10-10 बड़ा बड़ा लोगों का अरेस्ट हो जाते थे. उस टाइम कोई ओमेंसल नहीं होते थे, काउंसलिंग नहीं होते थे, मीडिएशन नहीं होते थे. पहले जेल में डाल देते थे, उसके बाद नेगोशिएशन होते, बोलो अभी कितना पैसा दोगे. तो वो सिचुएशन था. नेक्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल इन 2006 अबाउट आवर ग्रुप वाज रिटेन इन मोनोबिना गुप्ता ऑफ टेलीग्राफ. जब डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास हो रहा था हमने बार बार बोला था इसको आप जेंडर न्यूट्रल बनाइए, आप दिखाते हो क्या ये जो गरीब वुमन है विक्टिम वुमन है उनके लिए लॉ बना रहे, यूज कौन करेंगे जो पढ़े लिखे है समझदार है, डाइवोर्स चाहिए उसका एडल्ट्री चाहिए उनको यूज करेंगे. वही हो रहा है, कोर्ट एक के ऊपर एक जजमेंट दे ही जा रहा है, हस्बैंड विक्टिम होकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं दुर्भाग्य है हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस बिल के लिए आएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. तो क्या करें, आदमी मरे और वही कर रहा है, आपकी मर रहा है, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं. नेक्स्ट, दिस आर द अवेयरनेस, ऐसे तो बहुत है आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्डेड है कुछ नहीं है.
वी ट्राई टू क्रिएट आवर पर्सपेक्टिव्स टू इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जब एक साइड डिबेट नहीं कर सकते हो, एक अदर साइड भी है सिक्के का पॉइंट, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है पर्सन एंड सिटीजन, उसमें मेल वुमन में भेदभाव नहीं किया है। सपोज कोई वाइफ मरे उसका हस्बैंड जेल जाए, तो कोई हस्बैंड मरे उसको वाइफ को भी तो जेल जाना चाहिए ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। सपोज कोई वुमन आदमी को गाली दे, सेक्सुअली रिमार्क करे, वो प्यार है, और आदमी करे तो वो पलेस्टर है, ये तो नहीं चलेगा ना। नेक्स्ट, जो भी लॉ मेकर्स है, वी लव इट और हेट इट। लॉ मेकर जो है वही तो लॉ चेंज करेंगे, तो उनके लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, निमंत्रण है, हम देते रहते हैं उनको, कोशिश करते रहते हैं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, हम तो घर बैठ के तो कोई चेंज करेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरेंडम हमने बनाया है, बहुत सारे एनजीओज है, हमारा वेबसाइट में भी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा जो भी वॉलंटियर्स है आप देखो, आप भी लिखो, पर्सनली भी लिखो, एनजीओ लेवल पे भी लिखो। वी हैव टू कीप राइटिंग देम, वी हैव टू कीप डिमांडिंग देम। एक बच्चे जब तक नहीं रोएगा उसको दूध नहीं मिलता है। तो इफ यू वॉन्ट सम फेयर लॉ पॉलिसी फॉर द मेन, यू हैव टू राइट, you have to document your demand in front of the lawmaker, your MP, MLAs. Next, legal seminars, अभी जैसे बोला वो तो हमने वीकली मीटिंग में तो करते हैं, लेकिन देखो कोई स्पेसिफिक चीज होता है, हाई क्वालिटी एडवाइस होता है, तो नॉर्मली हमने साल में दो बार तीन बार ऐसे फ्री जो भी विक्टिम्स होते हैं उनके लिए हम लीगल सेमिनार्स करते हैं। काफी सारा वीडियो हमारा यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जो भी विक्टिम्स है यू कैन गो थ्रू दैट ओल्ड वीडियोस। आपको कोई क्वेश्चन है देन इन द नेक्स्ट सेमिनार यू कैन अटेंड एंड डू इट। नेक्स्ट, वी मीट एवरीवन, नो सम एग्जांपल आई एम गिविंग, क्यों हमारे लिए देखो पॉलिटिकल पार्टी सब एक जैसे ही है। वी हैव टू अप्रोच एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ योर देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हमारा मैनिफेस्टो है, सर आप बताओ, बताओ मुझे इसमें से कौन सा पॉइंट आप मैनिफेस्टो में ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे, वी हैव टू कीप आस्किंग। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास वोट लेने आता है वो मैनिफेस्टो दिखाओ, उसको बोलो मेरा ये जो पांच डिमांड है इसमें से आपका मैनिफेस्टो में दिखाओ क्या है, नहीं है प्लीज एक्सक्यूज अस। ये जब तक नहीं होगा आदमी बढ़ता रहेगा, आदमी का शोषण बता रहेगा, आदमी के साथ भेदभाव होते रहेगा। वी लव इट और हेट इट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आप लोगों को बोला 2038 को लीगल टेररिज्म बोला है, 2006 से आज 16 साल हो गया, गवर्नमेंट में एक भी कोई करेक्शन नहीं किया, इसके बाद भी और भी चार बार बोला है, कुछ नहीं कर। नेक्स्ट, जो मीडिया था ये कुछ भी दिखा देते थे, जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उस टाइम उन्होंने एक स्टडी बनाया, 70% ऑफ द वुमेन इज द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। हमने जब स्टडी पढ़ा देखा वो कोई वो स्टडी नहीं है। जैसे आप लोग बैठे हो, मैं आप लोगों को पूछा आप लोग बताओ स्वरूप सरकार अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, सपोज 70% लोगों ने बोला स्वरूप सरकार बुरा आदमी है और 30% बोला स्वरूप सरकार अच्छा आदमी है, तो उस स्टडी का मतलब ये थोड़ी है जो 70% लोग बैठा है उनके साथ स्वरूप सरकार बुरा किया है, नहीं है ना, ये परसेप्शन है, आपका परसेप्शन है, वो तो स्टडी नहीं है, ये तो मतलब नहीं कि 70% सेम। उस स्टडी में लोगों को पूछा गया आपको क्या लगता है वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि नहीं होता है, आपने तो नहीं पूछा खाली वुमेन का, तो 70% लोग बोला हाँ होता है, उन्होंने उसको क्या बोल दिया 70% ओवर फेस द डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखो कैसे ट्विस्ट करता है, जो स्टडी जब किया बाद में वॉशिंगटन टाइम्स ने करेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन लॉ बन चुका था तब तक वो स्टडी दिखा के लोगों को बेवकूफ बना दिया। बाद में जब नेशनल सर्वे आता है बोलता है वो 33% है, आप बताओ इधर 70% दिखा के लॉ बना लिया, लॉ बनने के बाद स्टडी में बोलता है 33%। तो ये बोलता है, अब
भी अभी तक नहीं बोला किसी ने। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कोई भी आके आदमी को थप्पड़ मार देता है, कोई भी आके आदमी को गाली दे देता है, कोई भी आके आदमी को डिमीन कर देता है। आपने कोई एड्स देखा जिसमें ऐसे ओमान को कोई आदमी थप्पड़ मार दे कोई एडवर्टाइजमेंट में? उसका कंपनी बंद कर देंगे, पार्लियामेंट बंद कर देंगे, वो कंपनी सब जेल जाएंगे, लेकिन आदमी का खिलाफ होता रहता है, हम इग्नोर करते हैं। पॉन्ड्स का जो एडवर्टाइजमेंट था उसका खिलाफ हमने 2006 में एडवर्टाइजमेंट काउंसिल में कंप्लेन किया था। वी फाइट दैट केस एंड वी हैव टू विथड्रॉ दैट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, ऐसे और भी है, जिलेट जो तो कंपनी लॉस में आ गया, किटप्लाई, अभी रिसेंटली जो कार्ड देखो, सो दीस आर द एक्टिविटीज यू हैव टू टेल। ये जो एडवर्टाइजर है, भूमि मित्र है, ये आपका दिमाग में मेल हेटर क्रिएट करते हैं, आदमी का अच्छा ही कभी दिखाएगा नहीं है। हाँ, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं अच्छे दिखाते हैं जो ऐसे जो डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। आप एडवर्टाइजमेंट में जब एक लड़की को थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो आदमी को कैसे मार सकते हो? दिस वी हैव टू आस्क एज अ मैन, और उसके लिए प्लेटफॉर्म है, वी हैव टू फाइट। कुछ होने के बाद उन्होंने बोला हम आपको सीआरपीसी 41 देते हैं, उसमें मिसयूज काम हो जाएगा, अरेस्ट काम हो जाएगा, अब नहीं होगा तब हम सोचेंगे क्या करना है। 2012 में सीआरपीसी 41 आया, सीआरपीसी 41 आने के बाद भी अरेस्ट कर रहे थे पुलिस, उसके बाद देर अगेन नेक्स्ट पे नेक्स्ट अगेन वी हैव एंड दिस वाज द रिजल्ट। पार्लियामेंट कमिटी ने सब लोगों को पूछा था ये कोर्ट के क्या होना चाहिए, बे लेवल के लिए 200 वोट था, जो भी जुडिशियरी जो भी स्टेट में है, पार्शियल लेवल के लिए 30 लोग था आउट ऑफ 474, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इन्होंने कोशिश किया कि हस्बैंड हस्बैंड का मां बाप सबका प्रॉपर्टी वाइफ ले जाएगा डाइवोर्स के साथ, जो आईआईटीएम बोल रहा था इरिटेबल ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैरिज इजी डाइवोर्स का नाम पे, वो डाइवोर्स भी लेगी आपका बिना फर्ज में, आपका प्रॉपर्टी, आपका माँ का प्रॉपर्टी, बाप का प्रॉपर्टी सब अदा ले जाएगी, शादी 5 दिन का हो और 5 साल का हो 50 साल का हो। हमने प्रोटेस्ट किया, वो पार्लियामेंट में रुक गया, अभी तक वो पास नहीं हुआ, स्टिल इट इज इन पार्लियामेंट। अभी वो पास नहीं हुआ तो अभी वो तो लैप्स हो गया सर, अभी दोबारा अभी दोबारा करना है तो उनको दोबारा करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट चेंज हो गया ना सर। उसका एक को जो है जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज कराया जाए, जो लॉन्ग टर्म है हमारा जो मेन राइट्स पे अवेयरनेस इन सोसाइटी है इसको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी और कोई दूसरा लॉ ना बने ऐसे। तो इमीडिएट फोकस जो अभी हमारा है जो अमित बाप ने कवर करेंगे, आई विल नॉट कवर इज द मैरिटल रेप, उसमें हम लोग ऑलरेडी 2 एनजीओ पार्टिसिपेट है, अभी तो गवर्नमेंट ने दोनों ने न्यूट्रल स्टैंड ले लिया, तो अभी तो इट इज द फाइट बिटवीन आस एंड गवर्नमेंट एक्टिविस्ट, एंड दिस इज अवर डिमांड इज वेरी सिंपल, चाइल्ड कस्टडी लॉ शेयर पेरेंटिंग होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन मेन एक्टिविस्ट होना चाहिए जो स्टडी करके बताए तो सही कितना आदमी मर रहा है, कितना आदमी का जॉब जा रहा है, कितना आदमी एक्यूटल हो रहा है, कोई नहीं बताते हैं, कोई डाटा कलेक्ट नहीं करता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डाटा मिल जाएगा, क्राइम अगेंस्ट मेन का डाटा नहीं मिलेगा, क्यों भाई क्या फर्क पड़ता है? आप एक कलम बना दो ना उसमें क्राइम इन्वेस्टमेंट का, क्यों नहीं रखते? एंड ऑल द लॉ जो मैंने हम लोगों ने बोला मेन वुमेन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द पर्सनल वाइफ हस्बैंड वाइफ द स्पाउस। सो विथ दिस आई कंक्लूड विथ द वन वर्ड, सी इज ए टूडे रे ऑफ होप फॉर मेन मैन। काफी लोगों का आशा है, जो सेल्फ सपोर्टेड वॉलेंटियर्स है आप लोगों से लोगों का बहुत उम्मीद है, तो आप लोगों ने जितना किया है हो सकता है कोई बैंडेड्स मिला होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर मिला होगा उनको, हमें उनको लिए पूरा खाना कैसे दिलाना है ये हमें करना है। फेक केस से बाहर आके रियल मेन वेलफेयर के पास आओ। आज भी हमारा रास्ते में बहुत लोग भूखे सो जाते हैं, के मरते हैं, जो आप सोशल एक्टिविस्ट करते हो, जो डोनेशन देते हो, बी मिशनरी फ्री, आदमी के लिए भी कुछ करो। थैंक यू वेरी मच।